वाला बच्चा मामा का बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामा। आप लोग, मामा ये क्या कर रही हैं? तुमसे मिलने नहीं आए हम लोग, इसको लेने के लिए आए हैं। मामा ये आप क्या कह रही हैं? हम बच्चे को लेके जा रहे हैं, तुम अपना सोचो कि तुम्हें किधर जाना है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो अपने बच्चे के साथ अपने घर में रहूंगी ना। फैजा एक बात कान खोल कर सुन लो, ना तो वो तुम्हारा घर है और ना ही ये बच्चा। ये मैंने फैसला कर लिया है कि अब तुम उस घर में नहीं रहोगी। मामा ये आप क्या कह रही हैं? मेरी तो आपसे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ लेकिन मैंने अब फैसला किया है कि मैं अपने खानदान का वारिस किसी ऐसी लड़की को नहीं दे सकती जो काबिल एतबार न हो। लेकिन मामा देखो नमान, फायजा की अब उस घर में कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें इस धोखेबाज के साथ रहना है तो तुम इसको लो और अपने बच्चे को लेके कहीं और चले जाओ। लेकिन एक बार ये बात सोच लेना, जो लड़की तुम्हारी इतनी मोहब्बत के बावजूद तुम्हें इतना बड़ा धोखा दे सकती है वो तुम्हारे बच्चे की क्या परवरिश करेगी? किंदा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, फायजा ऐसी लड़की नहीं जिसका साया भी मेरे बच्चे पर पड़े। तुम्हारे ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चे के बगैर? वो छोटा सा बच्चा, उसके बगैर मैं मर जाऊंगी। फायदा तुम जैसी लड़की ना ही किसी की वफादार होती है ना ही किसी के लिए मरती है, क्योंकि उसके लिए रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं होती। तुम्हें खुदा का वास्ता ऐसा ना करो, मैंने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं अपने बच्चे की कसम खाऊंगी। खबरदार जो तुमने इस बच्चे की झूठी कसम खाई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कोई बेवफाई नहीं की है तुमसे रुमान। बस करो फायजा, अब और नाटक मत करो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी, समझ में आई? किंजा ठीक ही तो कह रही है,